गांधी सागर अभयारण्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी छोर पर मंदसौर और नीमच जिलों में विस्तारित है। इसे वर्ष 1974 में अभयारण्य घोषित किया गया था। 370 वर्ग किलोमीटर में फैला यह क्षेत्र लुभावने घने जंगलों से भरा हुआ है। चौरासीगढ़ से सूर्यास्त देखने पर आश्चर्य होता है कि हम यहां पहले क्यों नहीं आए। वहीं गांधी सागर जलाशय का विस्तार और किले से जुड़ी लोक कथाएं सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार हिंगलाजगढ़ में स्थित हिंगलाज माता का मंदिर और यहां का नजारा मन मोह लेता है। किले का इतिहास 900 वर्षों से भी अधिक पुराना है। परमार साम्राज्य के स्वर्णिम समय में इसका निर्माण हुआ और होलकर महारानी अहिल्याबाई ने 18वीं शताब्दी में इसे वो रूप दिया जो आज हम देखते हैं। इतिहास की स्वर्णिम झलक सूरज कुंड में देखने मिलती है, जो कि स्थानीय भील आदिवासियों के लिए आज भी एक पवित्र स्थल है। यहां से कुछ ही दूर स्थित चतुर्भुज नाला तो और भी विस्मयकारी है। पाषाण युग की यह चित्रकारी लगभग 5 किलोमीटर लंबे वीथिका के रूप में यहां हजारों वर्षों का इतिहास समाये हुए हैं। इनमें से हाल ही में खोजे गए कुछ चित्रों को 6000 साल पुराना होना आका गया है और इसे कुछ ही वर्ष पहले सन 1977 में एक स्कूल के शिक्षक द्वारा खोजा गया है। गांधी सागर से लगभग 70 किलोमीटर दूर धर्मराजेश्वर मंदिर इस क्षेत्र की एक और खास जगह है। यह विशाल संरचना 50 मीटर लंबे, 20 मीटर चौड़े और लगभग 10 मीटर ऊंचे एक ही पत्थर से निर्मित की गई है। पहाड़ी से उतरते ही बौद्धकालीन धमनार की गुफाएं देखने को मिलती हैं, जहां 51 स्तूप स्थित हैं। इन्हें देखकर आश्चर्य होता है कि इन्हें एलोरा की तरह पहचान क्यों नहीं मिली। भारत की कुछ सबसे खूबसूरत और तीव्र नदियों में से एक चंबल नदी गांधी सागर अभयारण्य क्षेत्र में से होकर गुजरती है। कल्पना करिए, दाहेली में हॉट एयर बलूनिंग और तक्षेश्वर में ट्रेकिंग की, टापू पे प्राइवेट बीच, हत्यारा खो में घोड़े की नाल समान घाटी से रातों में तारों को देखना। लेकिन अफसोस, प्रकृति द्वारा संरक्षित यह जंगल मनुष्य की लालसा का शिकार होने के कगार पर है। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा पर स्थित इस अभयारण्य में पशु चराई सहित मानव एवं वन्य प्राणियों के बीच के द्वंद्व के अनेक कारण उपलब्ध होने के बावजूद भी यहाँ पर्यटन एवं वन्य प्राणी संरक्षण की असीम संभावनाएं हैं। हम सबके सम्मिलित प्रयासों से आने वाले समय में गांधी सागर अभयारण्य प्रदेश का महत्वपूर्ण वन्य प्राणी संरक्षण क्षेत्र एवं पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित हो सकेगा।